Hello dear students, welcome to all on my recorded video lecture on YouTube. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है और इस समय हमारी अपनी कंट्री बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है और हम लोग के पास में कोई उपाय भी नहीं है. हम लोग भी क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम लोग ये काम कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास इस समय सुविधा है, अभी हमारे पास कोई बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, बट जो भी मेरे पास इस समय है, मैं भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपनी वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइम का सदुपयोग कैसे किया जाए. और इस टाइम का सदुपयोग करना ही हम लोग की इसमें भलाई है. और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड भी है कि सर प्लीज़ आप कुछ ऐसे करो, कुछ हम लोग को अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करके हम लोग को दे दो जिससे कि हम लोग घर पे बैठ कर पढ़ सकें. हम लोग भी आजकल घर पे फ्री बैठे हुए हैं तो हम लोग को पढ़ने के लिए कोई ना कोई लेक्चर चाहिए. तो मैंने भी डिसाइड किया है कि मैंने अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करूं और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं पूरे इंडिया में, अक्रॉस द इंडिया, कोई भी इस मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप उसको देख सकते हो. इस कड़ी में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर क्यों देखना चाहोगे? तो मेरा वीडियो लेक्चर देखने के पीछे मैं दो तीन रीजन बता सकता हूं. सबसे पहला रीजन तो ये कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिछले लगभग 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूं. मैंने उसके पहले भी पीएमटी में आईआईटी जेई को, उसके बाद आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट, आईआईटी गेट का एग्जामिनेशन को लगातार मैं लगभग 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ. तो इसके बेसिस पर भी मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ. और अब तक मैं लगभग मोर देन 15,000 स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ, इन सारी सभी फॉर्मेट को मिलाकर. और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सफल भी हुए हैं. ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी मैं पढ़ा चुका हूँ और दिल्ली के ऑलमोस्ट जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन सारे इंस्टीट्यूशन में लगभग मैं पढ़ा चुका हूँ. तो उसके बेसिस में बोल सकता हूँ कि मेरा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ. मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूँ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहली बात बोल रहा हूँ, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाता हूँ. और एक बात मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि बाई एजुकेशन मैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट हूँ, बट बाई प्रोफेशन एंड बाई पैशन आई एम ए गुड एजुकेटर. तो जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मैं केमिस्ट्री पढ़ा कर शुरू करना चाह रहा हूँ. और इसके लिए मैंने केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए, केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए सबसे पहले केमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पास्ट ऑफ केमिस्ट्री, फ्यूचर ऑफ केमिस्ट्री एंड द प्रेजेंट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न केमिस्ट्री. पास्ट ऑफ केमिस्ट्री में 6000 बीसी से 1800 एडी तक के बारे में केमिस्ट्री कैसे कैसे ग्रो किया, पहले एंशियंट एरा से लोगों ने केमिस्ट्री में क्या क्या काम किया, कैसे कैसे ग्रो हुआ, इन सभी बातों को मैं एक सेपरेट लेक्चर, जो मेरा टॉपिक होगा पास्ट ऑफ केमिस्ट्री और टाइम लाइन ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, मैं सेपरेट लेक्चर बताऊंगा आप लोगों को. ये काफी टॉपिक जो होगा काफी मजेदार होगा.
दूसरा मेरा लेक्चर सेपरेट लेक्चर होगा फ्यूचर ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, जिसमें आने वाले टाइम में 2021 टू 2050 के बीच में केमिस्ट्री का क्या रूप होगा वो मैं बताऊंगा। और ये भी जो है ऐसा नहीं कि मेरा ये अपना थॉट है, ये जो फ्यूचर ऑफ केमिस्ट्री है इसके बारे में वर्ल्ड के बहुत सारे रिनाउंड साइंटिस्ट जो है, केमिस्ट जो है, उन लोगों ने अपनी अपनी विचार व्यक्त किया है। उसके लिए बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, जिन लिटरेचर से मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मुझे इसको पढ़ते वक्त मुझे बहुत मजा आया था और मुझे होप है कि उन सारे बच्चों के लिए जो बीएससी में, एमएससी में या पीएचडी में अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट लिख रहे हैं उनके लिए ये काफी उपयोगी साबित होगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से मैं क्लास लूंगा जिसका होगा फ्यूचर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से लूंगा। अभी मैं आप लोगों को मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। जो मॉडर्न केमिस्ट्री जो है 1820 टू 2018 तक मैं स्टार्ट किया हूं, जिसमें जॉन डाल्टन से लेकर इंडियन साइंटिस्ट डी आर रामाचारी से तक का बातों को मैं इसमें कवर करूंगा। और इस मॉडर्न केमिस्ट्री में मेरा जो मेन फोकस होगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के को हेल्प करने के लिए जो भी हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, इन सभी केमिस्ट्री का यूज जो भी होगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रोसीड करने के लिए, उन सभी टॉपिक को मैं बीच बीच में आप लोगों को मैं उसको क्लियर करता जाऊंगा। अब बात आता है आपका कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़े कैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा। वर्जिलियस से स्टार्ट करूंगा इसको, वर्जिलियस, वोलर या डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने कैसे इस काम को किया, ये सब भी मैं बीच बीच में आपको बताते रहूंगा। बट इन सारे चीजों को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक नॉलेज होगा, तभी आप पास्ट भी समझोगे और फ्यूचर भी समझोगे, राइट? तो पास्ट और फ्यूचर या जो भी इसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं इनको समझने के लिए हमें कहीं कहीं बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। मेरे नजर में केमिस्ट्री क्या है, जस्ट एक लैंग्वेज है। केमिस्ट्री क्या है, जस्ट एक लैंग्वेज, सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज के लिए क्या चाहिए, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसका अल्फाबेट चाहिए। अगर किसी भी लैंग्वेज का अल्फाबेट पता नहीं हो तो आप कभी भी उस लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, सपोज करो आप दिल्ली में रहते हो लेकिन आप जो पंजाब के लोग होते हैं उनका लैंग्वेज जो पंजाबी लैंग्वेज है आप उसको भी कभी कभी समझ जाते हो कि आपको पंजाबी लिखने आता है, नहीं, लेकिन आप उसको क्या आपको पढ़ने आता है, नहीं, लेकिन आप उसकी जबान समझ जाते हो। सपोज करो आप 2-4-5 सालों के लिए आप आंध्र प्रदेश चले गए तो हो सकता कि वहां के लोगों को सुनते सुनते आप तेलुगु भी बोलना सीख ले, हो सकता है कि आप चले जाए उड़ीसा, वहां पे आप एक दो साल रहिए तो हो सकता है आपको उड़िया बोलने आ जाए। डिफरेंट किसी भी इंडिया के पार्ट में आप चले जाइए, वहां पे आप अगर रहोगे तो वहां के लैंग्वेज को बोलना सीख जाओगे, लेकिन आपको रीड और राइट करने के लिए उसका अल्फाबेट बहुत जरूरी है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है, जनरली मैं बैचलर या मास्टर स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूं, तो बैचलर और मास्टर स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी केमिस्ट्री जो साइंस होता है वो क्लास 9, 10, 11, 12 ऑलमोस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़े होते हैं। उनको लगता है कि मुझे केमिस्ट्री में बहुत कुछ आता है, लेकिन सच मायने में उनको केमिस्ट्री बहुत ही कम आता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको मैं क्लास में देखते रहता हूं। उन्हें लगता है कि 2-4-10 रिएक्शन रट जाते हैं तो लगता है कि मुझे केमिस्ट्री आ गया,
अपने एग्जामिनेशन को भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं, रट किसी भी रिएक्शन को रट जाते हैं, रटने के बाद से जाकर उसको एग्जाम ऐसे लिख के चले जाते हैं, उनको नंबर भी मिल जाता है, उससे उनको लगता है कि मुझे केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आता है। लेकिन आप ट्रस्ट मानिए, वो हमारा केमिस्ट्री का नॉलेज जो है वो तब तक रहता है जब तक हम एग्जाम देते हैं। जैसे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के आने के बाद से सारा रिएक्शन हम वोमिट करके बाहर कर देते हैं, वो हमारे दिमाग से वाश आउट होता है। फिर जैसे एग्जाम आता है, फिर हम एग्जाम के टाइम पर उसको रटना शुरू कर देते हैं, और यही हमारा काम है, रटना भूलना, रटना भूलना। लेकिन इन दोनों के बीच से निकलने के लिए हमारे पास से एक बेहतरीन आइडिया है जिसको मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। मैं कभी भी किसी भी केमिस्ट्री के रिएक्शन को लर्न नहीं करता हूं, मैं उसको समझता हूं। जब समझने के बाद से उसमें जब दिलचस्पी मेरा बनता है तो अपने आप में वो मेमोराइज हो जाता है, राइट? तो मैं आप लोगों को क्या करने जा रहा हूं, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा टॉपिक क्या है, चाहते क्या हो, प्रॉब्लम क्या है आपका? आप चाहते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे रिएक्शन आ जाए, तो अगर रिएक्शन सीखने चाहते हो तो उसके लिए आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले अल्फाबेट ऑफ केमिस्ट्री एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। इन दोनों को सीखने से आपको आ जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। जब रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाएगा तो अपने आप ही आप रिएक्शन को समझ जाओगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को अल्फाबेट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं, राइट? तो अल्फाबेट ऑफ केमिस्ट्री में हमारा स्टार्ट होता है, और ये आपको मैं शुरू करूंगा मैटर से।